जन सूचना अधिकार मंच भ्रष्टाचार रोकने के लिए नियंत्रण प्रयास कर रहा है और इसी क्रम में छावनी परिषद झांसी में मेमोरेंडम सेटलमेंट के अनुसार छावनी परिषद के कर्मचारी जिस राज्य में छावनी कार्यालय स्थित है उसके जिले में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के पे ग्रेड के बराबर एक ग्रेड दिया जाएगा, जबकि छावनी परिषद झांसी में उप नियमों के विपरीत फर्जी तरीके से अधिक भुगतान कर पिछले कई वर्षों से सरकारी खजाने को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है एवं विभाग में फर्जी तरीके से आरोग्य एवं अपात्र कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हैं, जो कि जांच का विषय है। छावनी परिषद के छोटे से अस्पताल में कागजों में अस्पताल को 40 बेड का बताया गया है, जबकि अस्पताल में 12 बेड से अधिक नहीं है। हॉस्पिटल मैनेजर का कोई पद सृजित नहीं था तथा देश की 62 छावनियों में से किसी भी अस्पताल में उक्त पद नहीं है। छावनी परिषद झांसी द्वारा कैडर री स्ट्रक्चर का प्रस्ताव पारित कर एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट खत्म कर उसके स्थान पर हॉस्पिटल मैनेजर की भर्ती की गई तो उसके पश्चात एक्सरे टेक्नीशियन की दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रख दिया गया। उक्त पद का पे ग्रेड 4200 रखा गया, जबकि बाद में बोर्ड द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक जून 2012 के बिंदु संख्या के तहत यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कथित हॉस्पिटल में हॉस्पिटल मैनेजर की कोई आवश्यकता नहीं है और इस पद को समाप्त माना जाए। फिर भी उक्त पद को खत्म होने के बावजूद हॉस्पिटल मैनेजर की फर्जी नियुक्ति 5400 के पे ग्रेड पर गई। हॉस्पिटल मैनेजर की नियुक्ति हेतु क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ MBA की डिग्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आवश्यक था, किंतु इस पद के लिए विज्ञापन में केवल हॉस्पिटल मैनेजमेंट की डिग्री हेतु आवेदन मांगे गए। पंजाब की नियुक्त किए गए हॉस्पिटल मैनेजर की योग्यता केवल MSc MHA है, जिससे यह स्पष्ट है कि नियुक्ति की गई हॉस्पिटल मैनेजर में डॉक्टर जैसी कोई योग्यता नहीं है। वर्ष 2016 में उस वक्त के अधिशासी अधिकारी द्वारा अयोग्य एवं पात्र व्यक्तियों की नियुक्ति की थी, जो की जांच का विषय है। अस्पताल में नियम के तहत सेवा 2 डॉक्टर की ही नियुक्ति की जा सकती है, जबकि युक्त अस्पताल में छावनी परिषद झांसी द्वारा डॉक्टरों की नियुक्तियां की गई थी। छावनी परिषद कार्यालय झांसी में कर्मचारियों का वेतन 3-3 माह के पश्चात किया जा रहा है, क्योंकि विभाग के पास फंड नहीं है तथा छावनी अस्पताल में मरीजों के लिए दवाइयां उपलब्ध नहीं है। यह लैब में खून संबंधी जांच हेतु कई महीनों से केमिकल्स एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अनिल बख्शी, जन सूचना अधिकार मंच झांसी की ओर से रक्षा सचिव भारत सरकार नई दिल्ली महानिदेशक रक्षा संपदा कार्यालय नई दिल्ली जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिण कमांड पूरे महाराष्ट्र अध्यक्ष स्टेशन कमांडर छावनी परिषद झांसी उत्तर प्रदेश प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट लखनऊ कैंट को भी अवगत कराया गया। निष्पक्ष जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। झांसी से विक्रम पटेल की रिपोर्ट। झांसी परिषद झांसी में जो व्यापक भ्रष्टाचार है काफी वर्षों से, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे RTI के थ्रू दस्तावेज निकाले हैं वहाँ से, उसी के बारे में हम लोग ये दे रहे हैं कि किस तरह इस जो छावनी कार्यालय है उसमें कितना भ्रष्टाचार पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है और करोड़ों रुपए का जो घोटाला है वो शासन को चूना लगाया जा रहा है। किस तरह का घोटाला टाइप क्या है? इसमें जैसे एक ये भर्ती का है, इनका सेटलमेंट है, इनका एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जिसमें जिस भी राज्य के अंदर छावनी परिषद का कार्यालय होगा उसमें जो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस होगा उसके समकक्ष जितने भी वो होंगे कार्यालय उसकी जो पे स्केल होगा वो इनके डिपार्टमेंट के अंदर होगा। ऐसा ये है, ये दस्तावेज इसके हमारे पास है। इसके बाद इन्होंने 2011 में एक कैडर स्ट्रक्चर के नाम से एक वैकेंसी निकाली जिसमें इन्होंने कुछ भर्तियाँ निकाली जिसमें हॉस्पिटल मैनेजर की पोस्ट है जो MBBS डॉक्टर और MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट की डिग्री आवश्यक थी, उसका पे ग्रेड था 4200 रुपये रखा गया था। बट 2012 में जो है इन्होंने ये कहा गया कि बोर्ड में मीटिंग रखते हैं कि हमारे कोई छोटा सा हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, हमें इसकी मैनेजर की पोस्ट की जरूरत थी, पोस्ट खत्म कर दी गई वहाँ से। उसके बाद इन्होंने 2015 में अभिमन्यू सिंह नाम से इनके मुख्य अधिशासी अधिकारी आए और उन्होंने PD से एक सेंक्शन ली फॉर्मल, जबकि ये सेंक्शन जो है UCHC सदर कमांड से ली जानी चाहिए थी। और बड़ी इसके सेंक्शन लेने के बाद इन्होंने फिर से वो हॉस्पिटल मैनेजर की भर्ती जो है पेपर में जो विज्ञप्ति थी वो इस नाम से थी कि हमें हॉस्पिटल मैनेजर MBBS की जरूरत नहीं है, मात्र सिर्फ MBA करके जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उसकी डिग्री की जरूरत है और उसका पे ग्रेड जो 5400 का थी जाने उसके बाद। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ करी है? इसकी शिकायत जो है गृह मंत्रालय को की है, प्रधानमंत्री को की है, इनका जो कैग कार्यालय है ऑडिट का वहाँ की है, इनका दक्षिण कमान का जो GHC वो है चूना में उनको की है और इनके अध्यक्ष जो है ब्रिगेडियर होते हैं स्टेशन में उनको भी की। तो आप शासन से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इनके जो 10,000 खर्चा फैला हुआ जो करोड़ रुपये का इनका ये हुआ है इसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए और इनके पैसा रिकवरी किया जाए।